लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो माहवारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में।
अरे बोलिए ना सर, आपको कहाँ जाना है? उन्होंने आने के लिए तो इधर ही कहा था, वो आते ही होंगे। फोन भी नहीं सर, आपका सामान उतारने के बाद हमें पांडिचेरी भी जाना है, अर्जेंट भाड़ा मिला है सर। आता होता, रुक जाइए। हाँ ठीक है सर। सर आप आ गए क्या? हाँ। सीधा नारायण गली में आ जाइए। सर इधर आइए। नमस्ते। क्या सर, अगले महीने घर चाहिए था ऐसा बोला था ना, लेकिन फिर अचानक कल क्यों फोन करके बोला कि अभी चाहिए? क्या करूं भाई, कल अचानक घर का सामान बाहर रख दिया और घर के साथ कंपनी को भी ताला लगा दिया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपके एड्रेस पर आ गया। ड्राइवर को भी ये बात पता नहीं है, वाइफ और बच्चे वहाँ गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। क्या सर, सामान और बीवी बच्चों को साथ लेकर घर ढूंढते फिरोगे क्या? सर मैं जरा एक मिनट में आता हूँ। हाँ बोलना भाई, आपके घर में माल रखा हुआ है, ऐसे किसी ने खबर दी है? क्या बकवास कर रहा है? मुझे लगता है वो लक्ष्मी ने ही खबर दी होगी। ए, मेरे फोन पर किसी का फोन नहीं आना चाहिए, अपने सारे आदमियों को बता देना, अगर ज्यादा अर्जेंट हो ना तो पर्सनल नंबर पर फोन करना। ठीक है भाई। देखो तुम किसी को भाड़ा मत देना, मैं जल्दी पहुँचने वाला हूँ। ठीक है, मैं जगह बताता हूँ, वहीं आ जाना। कन्फर्म है ना? थोड़ी देर रुको, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। ठीक है आप रुकिए, मैं दो मिनट में आता हूँ। क्या करे सर, जब लोग घर खाली करके जाते हैं तो जो सामान नहीं चाहिए होता है उसे अंदर ही छोड़ जाते हैं। ये देखिए पूरा बैग कॉपी किताब से भरा है। सर पास ही में मेरा एक दोस्त रहता है और वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, अगर मैं उसे ही दे दूंगा तो गरीब बच्चों के काम आ जाएंगे ना, रास्ते में जाते समय उसे दे देंगे, इसलिए ले आया हूँ। ये लीजिए, इसे अपने हाथों से अंदर रख दीजिए। ठीक है। ए छोटू। हाँ जी बोलिए। इस रास्ते से टेम्पो नहीं जा पाएगा, मैं सारे शॉर्टकट जानता हूँ, तो तू एक काम कर, इसको घुमा के चार नंबर रास्ते पे ले। अच्छा जल्दी कर, जल्दी आ। हाँ ठीक है, आप जाओ। हाँ चल चल, चलो सर हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है। ए चल स्टार्ट कर रहा, घुमा ना जल्दी। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। बॉस, अपन ने जो प्लान किया था ना वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है, हम ऐसे किसी फ्लैट के मालिक बन जाएंगे। अरे रुको, 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 रुको। अरे मैडम आप इस एरिया में? क्या ये एरिया, अपना ही एरिया है पूरा। ये कौन है भाई? ये पास के एरिया में भीख मांगती थी, मैंने इसे फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का काम दिलवा दिया, वहाँ से कॉस्ट्यूम लेकर चली आई और साथ में विग भी उठा लाई है। ये विग सोने की है क्या? उठा भी ली तो क्या बिगड़ गया तेरा? अच्छा चल मुझे आगे सिग्नल तक छोड़ दे। इस शहर में 10 दिन पहले भी घर ढूंढने मिलो तो नहीं मिलता है, और आप सामान और बीवी बच्चों को साथ लेकर घर ढूंढ, क्या कहूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके भरोसे ही हम लोग आए, कुछ कीजिए ना। मेरे भरोसे पर आए हो ना तो फिर टेंशन मत लो। सर मैं कल पूरी रात से सोया नहीं, एक चाय पीकर चले क्या? ठीक है। ए सुबो, बोलो भाई। दो चाय दे। ठीक है भाई, एक ही देना, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है चल एक ही बना। ठीक है। ये टेम्पो वाला कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं भाई। चाय लीजिए। वो आ गया, देखिए उधर। ए छोटू, ए इधर आना जल्दी। आ रहा हूँ भाई। पागल है क्या, कब से तुझे ढूंढ रहे हैं हम लोग, एक नंबर का बेवकूफ लगता है, जल्दी आ। भाई घर कहाँ पर है? अरे घर इधर ही है, पहले तू चाय पी। चाय पी रहा रे। साहब घर कहाँ है बता दो ना, मुझे जल्दी जाना है, बहुत देर हो अच्छा रहा है। ये बता तेरे एरिया में कोई घर वर खाली है क्या? अरे नहीं भाई है? आजकल घर की बहुत मारा मारी है, सब लोग एडवांस में घर बुक करके रखते हैं, वैसे भी ऑनर लोग टू लेट का बोर्ड लगाते नहीं, तो फिर घर कहाँ से मिलेगा, कोई घर खाली नहीं है, वैसे घर चाहिए किसको? अरे सर के लिए। जरा इसको पकड़ो, पकड़ो इसको। अरे तू इस तरह घबरा क्यों रहा है? चाय पी। अरे मुझे चाय नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, घर नहीं ढूंढा, पहले चाय पीना रे। हेलो एक मिनट रुके यार, तू रुक जा यार, एक मिनट रुक जा, मैं बेटर से बात करता हूँ। सर आप जाकर मेरी बात तो सुनिए। अरे तू घबरा मत, आराम से चाय पी, सर से बात करके टेम्पो के पास आ जाना। हाँ बोल। ये क्या है साहब, ऐसे टेम्पो में सामान रख के कोई घर ढूंढता है क्या? समझने की कोशिश कर, मुझे बहुत सारे काम है साहब, जाना है मुझे, देर हो रही है। जा 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 जल्दी। मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे बहुत जल्दी जाना है सर। हेलो, अरे यार बात क्या है कि एक बंदे ने टेम्पो में सामान चढ़ा दिया और उसके पास कोई घर ही नहीं है। चलो तू भाड़ा कंफर्म कर ले, मैं बस आने ही वाला हूँ। ठीक है दीजिए सर बाकी के पैसे। हाँ हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगा, बोल रहा हूँ ना। हाँ तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊँगा यार। हाँ ठीक है सर, तो मुझे जाना है सर। थोड़ा एडजस्ट कर यार, अभी घर मिल जाएगा। घर ढूंढे बिना गाड़ी लेकर आ जाते हैं, मैं अभी देखता हूँ कैसे मिलता है।
ऐसे नहीं चलेगा साहब, मैं सामान उतार देता हूँ, आपकी दूसरी गाड़ी ढूंढ लो सर। कैसे चलेगा, पूरा दिन आपके साथ घूम नहीं सकता हूँ इस तरह। आप सामान उतार लो, मैं जा रहा हूँ। अरे सर से ऊंची आवाज में बात कर रहा है? मैं ऊंची आवाज में बात कर रहा हूँ, अपना सामान उतारिए, मुझे देर हो रहा है सर। अरे डबल भाड़ा ले लेना, तेरे ओनर से मैं बात कर लेता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है सर, आप सामान उतारिए। अरे मेरी बात तो सुन, मैं सामान उतार रहा हूँ। उतार ले, उतार ले। ये क्या, मैं सामान उतार रहा हूँ, मेरी बात तो सुन। उतार उतार सर, आप जल्दबाजी मत कीजिए ना। ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं। क्या बात है, सामान उतार रही आप, टेंशन मत लीजिए, हमारी हिम्मत नहीं है। सड़क पर सामान उतार देंगे तो ओहो। अरे हट, ये किसने किया? अब तो खुश हो ना छोटे, पंचर कर दिया। मेरी बात सुन, किसने पंचर किया? और सर पास की गली में जाके घर ढूंढते हैं, तू यहीं रुक। आप आइए सर, आइए ना। मेरी कहां फंस गया मैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। कितने रिक्वेस्ट की लेकिन उसे सुनी क्या? देखो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है तभी काम होता है इस शहर में। कहां फंस गया यार? हेलो, कौन चाहिए आपको? हेलो, कौन चाहिए आपको? और ये गेट बंद करके क्यों नहीं आए? अक्सर लोग पूछते हैं कि गेट खोलकर क्यों आए। हाँ, पूछ रही हैं कि गेट बंद करके क्यों आए, मतलब आप बहुत अच्छी हैं। हाँ? हम लोग भाड़े पर रूम देखने आए हैं, क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ का ओनर कौन है? हाँ हाँ, ओनर तो मैं ही हूँ, लेकिन कोई भी रूम भाड़े पर नहीं है। लेकिन गेट पर टॉयलेट का बोर्ड लगा है, इसीलिए। मेरे गेट पर लगा है? हाँ। ठीक से दिखता नहीं है? जो सोसाइटी का गेट है उस पर लिखा हुआ है। ठीक से जाकर पढ़िए, मुझे परेशान मत कीजिए। सोसाइटी भी आपके नाम पर है? हाँ है, आपको चाहिए क्या? सर गांव में जायदाद वगैरह कुछ है तो बेच दीजिए, मैं आपको एक अच्छा घर लीज पे दिला दूंगा। मैं उधारी करके आया हूँ। तब तो जिंदगी भर आप भाड़े के घर में रहेंगे। चलिए, आप लोग कितने लोग हैं? 3 बच्चे और हम दोनों कुल मिलाकर 5। 5 लोग तो नहीं रह सकते, सिर्फ 3 ही लोग रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पानी की प्रॉब्लम है। हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। मुझे तो नहीं लगता कर पाएंगे, हमें बाद में परेशानी होगी। सर आइए दूसरा घर ढूंढते हैं। मैंने तुमसे सही लोगों को लाने के लिए कहा था और तुम फालतू में परेशान कर रहे हो। कैसा आदमी, नॉनवेज खाने वालों को हम घर भाड़े पर नहीं देते। अंडा तो खा सकते हैं ना? कोई भी नॉनवेज नहीं चलेगा, आप निकलिए यहाँ से। चलिए सर दूसरा घर ढूंढते हैं, बच्चे लोग के अंडा भी नहीं खाएंगे आप। चलिए सर, घर अच्छा है, अंदर जाकर देख लीजिए। पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाथरूम भी अटैच है, मीटर भी अलग से लगा हुआ है। कुल मिला के 7,000 महीने का होगा। ये बहुत है, 4,000 हो सकते हैं। क्या कहा 4,000? तुमको बोला था सस्ता आदमी मत लेकर आना, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। चलो जाओ सर। चलिए सर, चाय की दुकान पर आकर रोते कि भाड़ोत्री नहीं मिल रहा और भाड़ोत्री लेकर आया तो रूल्स बता रहा है। घर भाड़े पर मिलेगा 8,000 रुपए में, 4,000 में नहीं है। 8,000 रुपए में चाहिए तो आ जाइए। अरे वो 5,000 वाला घर था, उसका क्या हुआ? वो तो कब का भाड़े पर दे दिया। ये लो, खा लो, ये लो, तुम भी ले लो। हिंदू हो क्या आप? क्रिश्चियन है क्या? मुस्लिम हो क्या? नहीं, हिंदू। घर नहीं है। 3,500 रुपए सिर्फ बाथरूम मिलेगा, उसमें भी पानी नहीं आएगा, चलेगा क्या? देखिए मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, घर मिल जाता तो। आइए सर। सर उन लोगों का बोलना भी गलत नहीं है, ये लोग घर बनाने के लिए यहाँ वहाँ से उधारी लेकर बैंक से लोन लेकर घर बनाते हैं ना, और फिर बैंक ऑफिसर्स उन्हें ड्यू नहीं भर के बोलकर हाउस ओनर पर चिल्लाते भी हैं। उस ईएमआई को भरने के लिए हमें भाड़ा बढ़ाकर बताते। ऐसे ही चलता रहा तो फिर इस शहर में कोई कैसे रह पाएगा? अपना गाड़ी वाला क्या कर रहा होगा पता नहीं। हाँ रंगा स्वामी भाई बात कर रहे हो? हाँ। मैं बोल रहा हूँ भाई, ऑन द वे आर्मुगम ब्रोकर। हाँ, बोल भाई। आपके पास कोई घर खाली है क्या? हाँ, है ना। ये तो अच्छी बात है, हम लोग आ रहे हैं। कौन से गांव के? अरे मेरे गांव के हैं, मतलब मेरे नजदीक वाले गांव के। फिर तो अच्छा है। हाँ, तो मिलकर बात करते हैं ना। हाँ, तो जल्दी आ जाओ। ओके ओके, अभी आ रहा हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ। देर मत करना, जल्दी आ जाओ। देखिए सर वो बहुत बड़ा घर है, बच्चे लोग वहाँ कबड्डी खेल सकते हैं। सर उस घर में जो भी भाड़े पे आता है ना, कुछ साल बाद वो अपना घर बना लेता है, और जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती उनकी वहाँ संतानें हो जाती हैं। हाँ सर, जिसे बेटी चाहिए उसे बेटी मिल जाती है, जिसे बेटा चाहिए उसे बेटा मिल जाता है, ऐसा है। सर आप बिंदास आइए, देखिए वो घर आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी जगह तुझे मिलेगी तो तू बाहर आ जाएगा क्या? अरे तू अंदर रहता है, बाहर क्यों आ रहा है? रंगा स्वामी, अपने मोहल्ले में
कोई तो मिठाई लेकर आया है, इसलिए इतनी मक्खियाँ आ रही। आज मक्खी आई, कल चूहे भी आएंगे, पूरा मोहल्ला गंदा हो जाएगा। कहाँ कहाँ से आते हैं ये? हाँ छोटे छोटे, बस यही घर है। रुक जा रुक जा सर, उतारिए सर। आप लोग पक्का उतरोगे ना? आइए आइए सर। देर से परेशान हो रहा हूँ। छोटू थोड़ी देर रुक जा, मकान मालिक से बात करके आता हूँ, फिर सामान उतारेंगे। हाँ खुद एक टेम्पो खरीद लो ना, ड्राइवर रख लेना, उसे दिन भर घुमाते रहना। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर, तेरा कहा सच हो जाए। क्या सर, कैसे आदमी को पकड़ के लाए? चलिए सर हम चलते हैं ना। तुम रुको, हाँ मैं। अरे छोड़िए ना सर, आप आइए आइए ना सर। आ रहा हूँ, चलिए बात करते हैं। उधर घुमा रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता। पहले घर देखना चाहिए था ना, मेरे को दूसरे भाड़े पर भी जाना है। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ इनको ही घर चाहिए। हाँ नमस्ते नमस्ते। सोसाइटी की कंडीशन और अमाउंट की बात कर ली? मैंने सब बता दिया, एक बार आप भी बता दीजिए। देखो भाई, मुझे झूठ फ्रॉड और हेरा फेरी बिल्कुल पसंद नहीं। काम क्या करते हो? बेकरी कंपनी में काम करता हूँ। पैसे तो अच्छे मिलते होंगे? परिवार के गुजारे लायक कमा लेता हूँ। तुम जो कुछ भी करते हो उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन हर महीने की पहली तारीख को भाड़ा मिल जाना चाहिए। भाड़ा पूरे 3,500 है और 100 रुपए पानी के अलग के, 60 रुपए साफ सफाई के। मैं दूसरे लोगों की तरह बिजली का ज्यादा पैसा नहीं लेता, एक यूनिट का सिर्फ 7 रुपए लेता। सोसाइटी में जो फंक्शन समय समय पर होते रहते हैं उसमें बाकी लोग जो देते हैं तो भी दे देना, ज्यादा मत देना। मंजूर है ना? मंजूर है सर। ठीक है भाई, घर का ताला खोलिए, हम सामान उतारते हैं। और सुनो, एग्रीमेंट नहीं होगा और एडवांस भी देना पड़ेगा। जिस समय मैं कहूंगा तो रूम खाली करना होगा, ये सारी मेरी शर्तें हैं। ठीक है सर। देखो 3 या 4 लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम चल रही है ना। वैसे तुम्हारे साथ हैं कितने लोग? ये 2 पति पत्नी हैं और इनके 2 बच्चे, टोटल 4 है सर। सर चलिए सर, सामान उतारते हैं ना, वो ड्राइवर को ज्यादा ही बोल रहा था, जैसे कि सिर्फ उसी के पास ऐसी गाड़ी है। चलिए सर चलते हैं, आता हूँ भाई। हाँ ठीक, चलिए सर आते हैं ना। ये क्या, क्या सर, सब बात तो हो गई ना? हाँ, वो तो होगी, लेकिन मेरे तो 3 बच्चे हैं और आपने कहा कि 2 बच्चे, झूठ क्यों बोला? अभी संभाल लीजिए सर, बाद में देख लेंगे ना। अरे कैसे कैसे देख लेंगे, मेरे 3 बच्चे और आपने 2 कहा तो मैं कैसे देख लूंगा सर? बताओ। इस शहर में जब तक गोलमाल नहीं करेंगे तब तक रह नहीं पाएंगे। क्या सर, आपकी 2 बच्चों के साथ क्या पूरी रात आप ऐसे ही सड़क पर बिताओगे? सर मैंने झूठ आपके लिए बोला, मेरे लिए नहीं बोला। अरे कितने भी नंबर बदल लूं, लोग मुझे ढूंढ लेते। सर आप इस ड्राइवर को भाड़ा देकर भेज दीजिए, मैं फोन पर बात करके आता हूँ। हाँ ले 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 लेना ले ले। हाँ हेलो सर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप कब आ रहे हैं? ऑन द वे सर, आप बस एक सिगरेट फूंक के। ठीक है साहब, सिर्फ 1500 दे रहे हो, सुबह से यहाँ वहाँ घुमाऊं मैं आपके साथ, 1500 में कैसे काम चलेगा? और दीजिए ना सर। अरे रख लो दोस्त, इतने पूरा दिन निकल गया और सिर्फ 1500 कैसे चलेगा सर? देखो कितना होता है, पहले मैंने तरस नहीं आता क्या? चुपचाप रखो, मेरे पर तरस नहीं आ रहा है, मैं अपने सेठ को क्या जवाब दूंगा बोलो? अरे जान आ रहे। देखो भाई थोड़ा इज्जत से बात करो। भाई जाइए, मजाक उड़ा रहा है, देख लूंगा तुझको तो बाद में। सर सामान सर, मेरी ब्रोकरेज दे देते तो मेरा कस्टमर वेट कर रहा है। देखो भाई, मुझे मकान मालिक को देखकर डर लग रहा है, आप जरा उनसे बात करके जाइएगा ना। छोड़िए ना सर, एक बच्चे की तो प्रॉब्लम है ना, समझो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। आ जा बेटा। डर गया था बेटा? डर मत, आ जा, मैं हूं ना। एक अभी तू इतनी देर से अंदर था ना, अब मुझे जाने नहीं देगा। बाहर देखती हूं। मैं ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। भैया मुझे नहीं, 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 मैं बैठूंगा, मेरी बारी है। नहीं अरे घर मिल गया ना, फिर ऐसे क्या रो रही हो? हाँ देखते हैं, ऐसा लगा तो कुछ दिन बाद दूसरा घर ले लेंगे, तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। हाँ दिन तकलीफें बढ़ती ही जा रही हैं, और कितने दिनों तक ये सब सहना पड़ेगा? देखो मेरी बात सुनो, बच्चों के सामने ऐसे मत करो। पापा कल भी मुझे ऐसे ही बॉक्स में अंदर बिठाकर बाहर लेके जाओगे? ये मैं कल भी बॉक्स में बैठूंगा। मैं तुम लोगों को बहुत बहुत तकलीफ दे रहा हूँ ना। सुनिए
मैं जिस तकलीफ से गुजर रहा हूँ बच्चों को उसका पता नहीं चलना चाहिए। कवि के बारे में इस सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये बात तुम उसे अच्छे से समझा सकती हो। एक बात सुन लो, उस बदबूदार विग को पहन के मत आना। हाँ, क्या कहा तूने? समझा क्या है? रोड पर कैसे घूमना है, घर पर किस भेस में रहना है, मुझे सब पता है। अच्छा बता, कैसी लग रही हूँ मैं? अब तो बिल्कुल चेंज हो गई, पहचान नहीं पाया मैं। अरे हाँ, चल पोटली को छोड़ेगी नहीं क्या? मुझे दे सर, मैंने अच्छे से गिन लिए, पूरे ही है। नोट असली है या नकली ये भी नहीं देखू? सर सारे नोट असली है, मैं अपने फ्रेंड से उधार लेकर आया हूँ। क्या कहा? फ्रेंड से उधार लेकर आया? भाड़ा तो टाइम पर देगा ना? पहली तारीख को अगर रात में आप सोए भी रहेंगे तो भी उठा कर दूंगा। क्या कहा? रात में आएगा? पर मेरे घर पे तो जवान लड़की है। नहीं नहीं, तुम सुबह भी आओगे तो भी चलेगा। सुबह 8 बजे आ जाऊंगा क्या सर? नहीं, मैं खुद आकर ले लूंगा। मुझ पर भरोसा रखिए सर, अपने घर जैसा रखूंगा। अपने घर की तरह नहीं रखना, भाड़े की घर की तरह संभालना, और भाड़ा टाइम पे मिलना चाहिए। इसमें क्या है, 4 सिग्नल घूमेंगे तो भाड़ा। ऐसा लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। हाँ, मंदिर के बाहर देखा था। सर इसकी आदत है मजाक करने की, मेरी दादी है ना। हाँ, वो तो है। देखो भाई, सगी दादी हूँ या दूर की दादी हूँ इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन घर में ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं चाहिए मुझे। सर मंदिर जाकर आने के बाद कोई एडवांस नहीं देता, लेकिन मैंने दिया, अब देखिए आपकी बहुत तरक्की होगी। ये लो चाबी, रख। चाबी को इतने ध्यान से क्यों घूम रहा है? मकान मालिक पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। गिर गया पापा। क्या बेटा, तू भी चल रहा है, बाल्टी दे दे मुझे। देगा तो बाकी के लोग क्या करेंगे? हाँ तो रुक, मैं अभी जाकर ये बात सबको बताती हूँ, मकान मालिक को लेकर आती हूँ, तभी सुधरेगा तू। पूरा पानी खत्म कर दिया, ये क्या बात हुई? कहाँ से आ जाते हैं बेवकूफ कहीं के, अब मैं कैसे जाऊंगी? चुप चुप, और चल चल बहन। इस उम्र में भी स्टाइल चाहिए। होमवर्क खत्म हो गया ना तेरा? सारी बुक्स ले ली हैं? हाँ ले ली। बिल्कुल मैडम, ठीक है। सुबह सुबह ऐसा चेहरा बना रखा है। बाय बाबा। स्कूल जाने में क्या तकलीफ होती है तुझे? ये ले। अच्छा जब मैं रात में भाग गई तो सारा पानी खत्म हो गया था। हाँ तो मैंने मकान मालिक से कह दिया है, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ इतने सारे लोग हैं, एक अकेला वो ही थोड़ी है।
स्वामी, इसके मेहमान आने वाले हैं, अभी जाके इसको सब कुछ साफ साफ समझा दे। कौन कौन है घर के अंदर? हाँ मालिक, मैं हूँ। सुन ले भाई। जी मालिक। अपने यहाँ मेहमानों को दो चार दिन से ज्यादा ठहराना, उन लोगों को नहलाना, बाथरूम यूज करना, ये सब यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। या तो तुम उन लोगों को यहाँ से भगा दो, या फिर तुम ही यहाँ से भाग जाओ। मुझे जितने लोगों को बताया गया है सिर्फ यहाँ उतने ही लोग रहेंगे। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ, बिल्कुल रहम नहीं खाऊंगा, समझ गया ना? तुमने मेरे घर को भाड़ा देने के बाद धर्मशाला समझ रखा है क्या? मैं चेतावनी देकर जा रहा हूँ, सुधर जाओ। तुम भाड़ा देने वाले लोगों को क्या पता कि एक घर बनवाने में कितनी मेहनत और पैसे लगते हैं? मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ। देते भाड़ा है लेकिन घर को अपनी बकौती समझते हैं। सर हमत कर लिया ना? आ जा ले जा। ए कवि, शाम को छुट्टी होते ही भैया और दीदी के साथ में घर पर मत आ जाना, पापा तुम्हें लेने आएंगे। हाँ ठीक है ना? समझ गए ना? उसी जगह पर वेट करना, कहीं और मत चले जाना। ठीक है जाओ। ए कवि, भूलना मत है बेटा। चलता हूँ। हाँ अच्छा सुनो, पिछली कंपनी में तुम्हारी ईमानदारी और कौशल देखकर मैं तुम्हें माल दे रहा हूँ, जितना चाहे उठा सकते हो, लेकिन हर हफ्ते मुझे हिसाब क्लियर चाहिए। अगर ये मंजूर है तो बोलो। समझ गए ना? सर जी, जब मैं पूरे परिवार के साथ सड़क पर आ गया था तब आपने मुझे पैसे उधार दिए, आपका ये एहसान मैं कैसे भूल सकता हूँ? अरे यार, इतनी सी बात के लिए इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, जा काम करो, काम करो। रवि, अभी मार्केट थोड़ा ठीक है, हमें प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहिए, सब तरफ डिमांड अच्छी आ रही है। मुझसे मिलने की सोच रहा था? क्यों, मैं तुझे इस शक्ल से बेवकूफ दिखता हूँ क्या? हाँ, आज देता हूँ कल देता हूँ बोल रहा था, आखिर में देखा तो घर गायब हो गया, कंपनी गायब हो गई और उसके साथ तू भी गायब हो गया। जब तक तू मुद्दल और ब्याज एक साथ लाकर नहीं देगा तब तक तू ये साइकिल नहीं ले जा सकता। भाई इस साइकिल से तो मेरा धंधा चलता है ना। अरे भाई, साइकिल रहेगी तभी तेरा धंधा चलेगा ना, तेरे इस भाई के पास रोकड़ा होगा तभी इसका धंधा चलेगा। मैं ना? शाम को आकर दे दूंगा। ये तो तू कई बार बोल चुका है रे, और तू घर के बाद घर, घर के बाद घर बदलते जा रहा है। तेरे पीछे घूमना ही काम रह गया है मेरा। ये बता, मैं कोई जानवर हूँ जो तेरे पीछे घूमता रहूं तू मिलाते हुए? ए, साइकिल को ले जाकर घर पे छोड़ दे, मैं कर काम निपटा कर आता हूं। जल्दी कर ले जा। अरे क्या कर रहे हो भैया? भैया इन्हें बोलिए ना। ए भाई रुक जाओ ना। भाई क्या कर रहे हो? भाई ने बोला ना घर पे आ जा, घर पे ही बात। अरे भाई साहब, भाई साहब सुनिए तो भाई। अरे भाई, भैया रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अरे सुनो तो मेरी बात। छे, गाड़ी को गंदा कर दिया। हेलो भाई। बोल। लगेज ने बाथरूम कर दिया क्या? और थोड़ी देर नहीं छोड़ा तो वो दो नंबर भी कर देगा। ठीक है, पार्टी के पास लगेज को छोड़ दे और गाड़ी साफ कर देना, बाकी मैं देख लूंगा। सुनिए। हाँ। मनीषा चाहती है कि वो भरतनाट्यम सीख ले, उसके बाद ही शादी करेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, भरतनाट्यम के नाम पर उसने 5 साल में सिर्फ 2 ही स्टेप सीखे हैं, कोई और देखेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा नाट्यम कर रही है। कब स्टेज पर डांस करेगी और कब उसकी शादी करोगे? वो बात तो सही है। वैसे भी वक्त रहते लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, वरना बाद में अच्छा लड़का नहीं मिलता। ये बात भी है। ये लीजिए कॉफी। लीजिए। ए तू भी कॉफी लेना। सुनिए, अभी तो ये मारा मारी मांडवली हेरा फेरी करके अच्छा खासा कमा रहा है, यही सही वक्त है अपनी बेटी की शादी इससे करा देते हैं। अगर इसने कुछ सोचना कर दिया ना तो बेटी जिंदगी भर घर में ही रह जाएगी। अरे सुनो, मैंने तो पहले ही कहा था ये इसे बहुत पसंद करता है। अरे सुनो ना। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम उसे जिंदगी भर अच्छी तरह से संभाल सकते हो और वो तुम्हें पसंद करती है तो मैं शादी करा दूंगा। जी बिल्कुल ठीक है, मैं पहले ही समझा देता हूँ। अगर तुम्हारी कोई डिमांड है तो मुझे साफ साफ बता देना, वो इसलिए कि मैं शादी के बाद कोई ऐसी बात सुनना ही नहीं चाहता।
ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरी बीवी की भी मर्जी है। हमने सोच समझ कर फैसला लिया है। हाँ। समझ गए ना? समझ गया। तो जाकर उससे बात कर लो। ओके। हाँ 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 शादी कर लें। वो क्यों? बच्चे पैदा करने के लिए। तुम इसे साथ में क्यों लाई हो? ऐसे वक्त में इसकी क्या जरूरत है? हाँ? तुम्हें देखने के लिए मैं तरस गया था, तुम क्या जानो। चुप रहिए, छेड़ते रहते हैं। अब जाने दीजिए, कोई आ गया तो क्या होगा। अरे यहाँ पर कौन आएगा? इधर देखो ना मेरी तरफ, तुम्हारे बदन से आती खुशबू मुझे बहुत बहका रही है। अच्छा, शायद ही बोलने लगे। ये भी ना, गलत टाइम पर फोन करता। अरे ये क्या कर रही हो? किधर हाथ डाल रही हो? पर्स ढूंढ रही हूँ। अरे मैं पर्स वगैरह कभी नहीं रखता। मुझे किसी के पॉकेट में हाथ डालना पसंद भी नहीं है। क्या देख रहा है तू? चल यहाँ से निकलना। भाई मैं मारन बोल रहा हूँ। मैंने आपको उसी दिन कहा था ना, लेकिन आपने सुनी नहीं। सुबह वो ब्याज वाला आकर साइकिल के साथ बॉक्स भी ले गया। अब मैं बच्चे को लेकर सोसाइटी में कैसे जाऊं? जितना जल्दी हो सके दूसरा घर ढूंढ दीजिए ना भैया। ठीक है भाई। कभी चलो बेटा। पापा अपने साइकिल कहाँ गए? वो एक आदमी के पास है, बाहर जा। ए, हैंडपंप इतना फास्ट क्यों चला रहे हो? धीरे नहीं चला सकते क्या? एक महीने में दो दो वाशर डालने पड़ते हैं। एक वाशर कितने का पता है? 50 रुपए का। क्या? ए, ये कोई गार्डन है? चलो सब लोग घर जाओ। कूद कूद कर गड्ढा बनाने वाले हो क्या? चलो जाओ यहाँ से। हाँ। आइए बैठिए बैठिए। इस महीने का भाड़ा तो नहीं बढ़ाएंगे ना? चाय ले। बिजली का बिल ज्यादा आता है। सुनिए, साइकिल मिली क्या? नहीं। सोसाइटी में कोई है क्या? काफी लोग हैं। मकान मालिक और आंटी तो गेट के पास ही बैठकर बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगले महीने से बढ़ा देंगे, वरना हमें नुकसान होगा। सुनिए, कवि को भूख बर्दाश्त नहीं होती, उसने कुछ खाया? कवि इडली खा रहा है। तुम एक काम करो, जब वो चले जाएं तो मुझे फोन करना, मैं इधर ही वेट कर रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है, मैं खुद ही फोन करती हूँ। पापा कल स्कूल कैसे जाएंगे? कल तो आपको साइकिल लानी ही पड़ेगी पापा। ठीक है बेटा, ले आएंगे। तू इडली खा ले, फिर हम ले आएंगे। हाँ Oh
भाई, मैंने लगेज को ठिकाने लगा दिया है। ठीक है, बाकी की बात हम सुबह करेंगे। ए, चल, चल। पापा, क्या हुआ पापा? चुप चुप। कौन है तू? बाहर निकल। अरे जगह साहब, इधर आ, ये देख अंदर कौन छुपा हुआ है, बाहर निकाल इसे। ए, कौन है तू? इधर क्या कर रहा है? बाहर आ, बाहर आ। ये क्या रहा है? चल चल बाहर आ। ये फोन कट क्यों कर रहे हैं? इधर आ, ये बता वहां क्यों छुपा हुआ था? सर मैं किसी से मिलने आया था, मैं मेरी साइकिल फंस गई है सर। साइकिल फंस गई है? तू क्या काम करता है और ये लड़का कौन है? सर मेरे पापा के साथ इज्जत से बात कीजिए सर। ए, कभी चुप चुप चुप। ओ इज्जत से बात करूं। नमस्ते सर, ये बताइए आप लोग अंदर क्यों छुप के बैठे थे? आप बुरा मत मानिए सर, छोटा बच्चा है, बोल गया गलती से। यहाँ पर ब्याज से एक आदमी से पैसे लिए थे, एक महीने से ब्याज नहीं भर पाया तो उसने साइकिल ले ली सर। साइकिल से ही मेरा गुजारा होता है सर। बेटे को साथ लेकर मैं साइकिल लेने के लिए आया था, लेकिन पुलिस की गाड़ी देखते ही। सर प्लीज सर, किसी तरह हमारी साइकिल ढूंढ के दे दो ना सर, प्लीज सर। ए सुन, हम लोगों ने छुपे लोगों की इंक्वायरी की तो 100 लोग फंसे रह जाएंगे। वैसे चौकी में बराबर हफ्ता तो आ रहा है ना, उसका नाम बताओ। साहब पूछ रहे ना, नाम बताओ उसका। देवा सर। म्यूजिक डायरेक्टर देवा की बात कर रहे हो? नहीं फिर यही घर है उसका। ये घर है? ए कांस्टेबल, कौन है जरा जाके देख। जी साहब। हाँ जा, जो कोई भी है उसे बाहर लेकर आ। ए तू इधर आ। अरे आता हूँ ना सर, आ रहा हूँ। आ तो गया। तुम ही देवा हो क्या? जी सर। तो हमें बिना बताए तुम ब्याज का धंधा कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या कि हम लोगों को भी देना पड़ता है? अरे अरे साहब, वो रोड पर चलने वाले फूल बेचने वाले हर अरे गहरे को तुम पैसे देकर उनको टॉर्चर करोगे ठीक है, लेकिन हमें देना भूल जाओगे, ऐसा ही है ना? और ये साइकिल इनकी है ना? हाँ हाँ साहब। आप लेकर जाइए। अरे साहब ने बोल दिया है तो लेकर जाना। जाओ जाओ जा। अरे साहब आप जरा इधर आइए, आइए ना। जो भी कर रहे हैं हमेशा बताकर किया करो। बोल के करोगे तो आधा अमाउंट, और बिना बोले करोगे तो पूरा अमाउंट। पता नहीं क्या तुम्हें ये कायदा कानून? ठीक है चलो कल सुबह आ जाना। मैं तो कुछ और समझ के डर गया था साहब, मैं सुबह आता हूँ ना आपके पास। पक्का आ जाना कल सुबह, समझे? जी मैं खुद आऊंगा सर आपके पास। की खैर नहीं, उसे पता चला तो पता है क्या होगा। आप सो जाइए। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। इतनी रात को पता नहीं कहाँ घूमते रहते हो।
इस दुनिया में या तो अच्छे बनकर रह सकते हैं या फिर आदमी बुरा बनकर, लेकिन दोनों बनकर कोई नहीं जी सकता। एक ओके, सुपर, क्या कमाल कर दिया भाई, सिंगल टेक में शॉट ओके दे दिया। ऊपर लाइट निकालो, जल्दी लाइट नीचे करो। मस्त एक्टिंग की, अवार्ड मिलेगा पक्का। तो कभी भी कामयाब नहीं होगा। मैं कामयाब नहीं होऊंगा। ए लेविस, ए हमेशा उल्टा सोते हुए क्या क्या सपना देखते रहता है। तो सपना देख रहा था क्या? अजीत विजय या पवन स्टार का? सुपरस्टार रजनी का। तेरे सपनों में कुल मणि रोड़ा डाल रहा है। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहे कितने हैं विजय, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। तुमसे मिलने की तमन्ना क्या कह रहा था। I love you नहीं लिखा, इसीलिए तुमसे कट्टी 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 कट्टी। इसे संभालना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए घर सबसे जरूरी है। हेलो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। कसम खा के कहो प्यार करते हो। कसम खाता हूँ। ठीक है, वहीं रुको। जंगल में एक शेर था, वहाँ और बहुत सारे जानवर रहते थे। एक दिन शेर ने सभी जानवरों को बुलाया और सभी जानवरों से कहा, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। ए इधर आओ। सभी जानवर, इसे किसने तोड़ा? अरे पता नहीं भैया, हमको नहीं पता किसने तोड़ा। रुकिए मैं अपने पति को बुलाती हूँ। हम लोगों को नहीं पता, सुबह तो सही सलामत था। सही सलामत था, देखो इसे टूटा पड़ा है। ये सामने वाले घर में जो रहते हैं ना, उन्होंने किया होगा, लास्ट में उन्होंने पानी भरा था। ए इधर आओ, हैंडपंप किसने तोड़ा है? अरे अरे, सुबह सुबह हम ही लोग मिले क्या? 10 अंडे पानी तुम भरते हो। इसने तोड़ा होगा, उसने तोड़ा होगा, हमारा ही नाम क्यों ले रहे हो तुम? आपको नहीं तो और किसी को पानी भरते रहती हो। चलो सब लोग बाहर निकलो। मैंने कहा ना बाहर आओ, सब चलो बाहर आओ, चलो बाहर आओ ना। अरे मुझे साफ साफ बताओ, हैंडपंप किसने तोड़ा है? जल्दी बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ। अरे रे रे, कितना चिल्ला रहे हो, सिर्फ औरतें ही पानी भरती है क्या? मर्दों को भी तो पूछो, यहाँ कितने सारे मर्द भी रहते हैं। ज्यादा जोर लगा दिया होगा, टूट गया होगा। मुझसे टूटा था क्या? तुम्हारे हाथ से टूटा? सब एक दूसरे से झगड़ा कर रहे, पहले बोलना चाहिए था ना। अरे अभी बता दिया, तो पता नहीं क्या होगा। अरे मुझे झगड़े से बहुत डर लगता है। कुछ भी बोलती, मुझे बताना चाहिए था ना। अरे रुक जाओ, मेरी बात क्या हुआ? रुकने को क्यों कहा? सही तो चल रहा था।
हर घर पर 50 रुपए का फाइन। मुझे भी देना पड़ेगा क्या फाइन? अरे 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 अरे, आप तो कल आने वाले थे, आपको देने की जरूरत नहीं है। आप फाइन कैसे भरेंगे? आप लोगों ने तो 3 महीने का भाड़ा एडवांस में दे दिया है। ये इन सब छोटे लोगों के लिए, आपके लिए नहीं। यहाँ सब ऐसे ही चलता है, हम सब एक परिवार के जैसे। पहले मुझे घर की चाबी दीजिए आप। हाँ चलो सब लोग जाओ जाओ, आप लोग आइए। माँ जरा चाबी देना। स्वामी, इन लोगों का तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहा। सोसाइटी के नियमों को ये नहीं मानेंगे, फिर भी तेरी मर्जी है। ले ए, अंदर आओ। ए, कितना तेज चल रहे हो, रुको ना। शोर मत करो। क्या है? तुम्हारे लिए सरप्राइज है, अब हम हमेशा बात कर सकते हैं। मेरे पापा ने देख लिया ना तो बहुत मारेंगे। मैं तो जा रही हूँ। इसमें रेडियो भी लगता है क्या? हाँ, लगता है ना। फोटो भी खींच सकते हैं क्या? हाँ खींच सकती हूँ। ठीक है ठीक है, कोई देख लेगा, मैं चलती हूँ। फोन करना। क्या रे प्यार व्यार हैं? बहुत प्यार करता है। ये देख इसका क्या करेगा? तुम्हारे लिए सरप्राइज है, हमेशा बात कर सकते हैं। मेरे पापा ने देख लिया ना तो बहुत मारेंगे। प्लीज डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने से मुझे क्या फायदा होगा? पहले तो मुझे कुछ खिला पिला, आजा फिर डिलीट कर दूंगा मैं। ए भैया भैया भैया, अब ये लीजिए आपके पैसे, मैंने अलग से निकाल कर रखे थे। मैंने तुझे गलत समझा, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, थोड़ा और वक्त दीजिए, आपके बच्चे पैसे भी लौटा दूँ। लेकिन साथ में पुलिस को तो लेके नहीं आएगा ना तू? नहीं भैया। ऐसे ही मजाक कर रहा था। ठीक है भाई। चलेगा, कम से कम 2-3 लगाओ। पापा से पैसे मांगूंगी तो वो मुझे डांटेंगे। अगर तुम 10 रुपए के लोगी तब भी पापा डांटेंगे ही। तुम्हें 10 रुपए में ही 20 रुपए के फूल देती हूँ। और ये भी लेकर जाओ। ठीक है, थैंक यू। आई मीना सुपर सीना बे। It's okay. I'm sorry.
ओए मजनू, तेरे प्यार के मैटर के बारे में अगर ये बुढ़िया जान गई तो तेरी खैर नहीं है। सर सर, अब किसी से कहिएगा मत प्लीज। जिस तरीके से तू आगे बढ़ रहा है ना, तेरी गाड़ी कभी भी अटक सकती है बेटे। सर, हम दोनों को मिला दीजिए ना, आपकी मेहरबानी होगी। अरे लेविस, क्या बकवास कर रहा है वहाँ? अरे दादी, इनका दरवाजा टूट गया है। क्या कहा, दरवाजा टूट गया? हाँ दादी। पापा, पापा, हाँ? ये सब चींटियां कहाँ जा रही हैं पापा? हाँ? वो अपने घर जा रही हैं बेटा। अपने घर जा रही हैं? इनका घर कहाँ है? सुबह समझाता हूँ, ठीक है? अभी समझाइए ना पापा। सुनिए, आप दोनों सो जाइए ना, सुबह जल्दी भी उठना है। फोन पे किससे बात कर रही है? ला फोन दे मुझे। किसी से भी नहीं। आज की कला साहित्य प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया और जो विजेता हुए हैं, उन्हें हम अभी पुरस्कार से सम्मानित करने वाले हैं। अभिव्यार का पात्र प्रस्तुत करने वाली थर्ड स्टैंडर्ड की स्टूडेंट कविता को मैं आमंत्रित करता हूँ। मिस्टर मुर्गर कविता को पुरस्कार देकर उसे प्रोत्साहित करें। अगला भरदीय कविता प्रतियोगिता में जीतने वाले स्टूडेंट को मिस्टर नरेशन पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करेंगे। अब लेखन प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज जीतने वाले थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट कवि को श्रीमती कमला पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करेंगी। और इस लड़के ने चित्रकला और कविता प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज जीता है, इसलिए इसे एक और पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। हमारी मैडम चाह रही हैं कि कवि के माता पिता स्टेज पर आए, इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप स्टेज पर पधारें। इस विद्यार्थी ने बहुत सारी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं और अपने स्कूल और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। इस तरह के विद्यार्थियों का तालियां बजाकर आप सब लोग भी प्रोत्साहित करें और आगे भी प्रोत्साहित करते रहें और कवि का ये सामर्थ्य बना रहे, इसीलिए इसके माता पिता भी इसका भरपूर साथ दें। हमारे स्कूल की तरफ से ये विनती है। अरे इसे यहाँ पर किसने बुलाया है? अरे बहुत कमीना आदमी है, लेकिन इसका बाप बहुत अच्छा इंसान था, उसी ने स्कूल को हेल्प की थी, इसीलिए बुलाया होगा। हम वहाँ नहीं जाएंगे। चलिए ना। चलिए वापस चलिए। आइए आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। चलिए ना स्टेज पर। चलिए वापस रोड पर आना। चलिए। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए। अब मैं सर से विनती करता हूँ कि अगले दोनों पुरस्कार वो ही दें। अभी कवि को श्रीमान रंगास्वामी पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करेंगे। वापस एक बार मैं निवेदन करता हूँ कि कवि के माता पिता स्टेज पर पधारें, उन्हें स्टेज पर आने के लिए बोलिए। कहाँ है बोलो, उनसे विनती है कि वो जल्द से जल्द स्टेज पर पधारें। हमें जाना ही होगा। अरे तू चुप रहो, समझते क्यों नहीं तुम? वो लोग नहीं आए हैं क्या? कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उनके माता पिता को स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है। उस मामले में ये बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है। अभी श्रीमान रंगास्वामी कवि को ये
अभी हमारे निमंत्रण का मान देकर यहाँ आए हुए मुख्य अतिथि अपने कुछ सुविचार प्रकट करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। हेलो सुनिए, कभी मिल गया ना? तुमने घर के आसपास देखा क्या उसे? ये क्या कह रहे हैं आप? उसे तो घर आने का रास्ता नहीं पता। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ। फोन रखो। कहाँ चला गया? अरे फोन रखो ना तुम उसे, मैं लेकर आ रहा हूँ। सुनिए तो ए भैया सुनिए, कभी कभी को देखा इधर? पहले भी पूछ गए थे, अभी तक बच्चा घर नहीं पहुँचा क्या? अरे अच्छे से जाकर ढूंढिए, फंक्शन भी खत्म हो गया और सब लोग चले भी गए, अंदर कोई भी नहीं है। अगर वो इधर आए तो अपने पास ही रखना, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं उसे अपने पास बैठा कर रखूंगा। क्या हुआ तुझे बाबू? क्या हुआ बेटा तुझे? किधर चला गया था तू? बहुत बहुत धन्यवाद सर, अगर आप नहीं होते तो मेरा बेटा तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। नहीं संभाल के रखो, आजकल बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये आपका बेटा? लेकिन कभी इसे देखा नहीं मैंने। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। मेरे तीन बच्चे हैं, लेकिन मैंने झूठ बोला था कि मेरे दो ही बच्चे हैं और मैं इस घर में रहने आया। क्या करूं, सिचुएशन ही ऐसी थी। दूसरा घर मिलने तक आप किसी को बताइएगा मत प्लीज। ये रंगास्वामी है ना, बैचलर को घर ही नहीं देता। मेरे साथ जो रहती है ना वो मेरी दादी वादी नहीं है, सड़क पे भीख मांगती है, उसे दादी बनाकर यहाँ लाया है। मेरा प्लान ये है कि उसकी लड़की को पटा कर इस सोसाइटी का ओनर बन जाऊँ। ये बात आप किसी को बताइएगा मत। क्या सर, आपका प्लान तो बहुत बड़ा है। अरे हम करेंगे तो प्लान बड़ा और ही इस प्लान में मैं भी शामिल हूँ। बिल्कुल। आ, आ, आ,
क्या हुआ जी? कवि, 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 कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? चलिए ना जी, अब किसी दूसरे घर चलते हैं। हमारी वजह से बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है, अब और नहीं सहा जाता। मैं आराम से बैठा हूँ क्या? काम कर रहा हूँ, इधर से उधर भाग दौड़ कर रहा हूँ, और पर कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी हम इतनी तकलीफें क्यों झेल रहे हैं? चलिए गांव वापस चलते हैं। ऐसी बात क्यों कर रही हो तुम? हाँ, वहां मुसीबत में थे इसलिए तो यहाँ आए। अगर फिर से वहां वापस गए तो वहां के लोग हमें और भी गिरी हुई नजरों से देखेंगे, समझो? नहीं जाएंगे हम वापस, चाहिए तो कुछ दिन बाद और दूसरा घर ले लेंगे। तब तक सहन कर लो, अच्छे दिन जरूर आएंगे, आएंगे हमारे भी अच्छे दिन। क्या बात है, लेटर देने के बाद भी नहीं यार, फोन भी अनरीचेबल है। क्या हुआ? मत मारिए, छोड़ दीजिए। अरे शिवा, क्या हो गया? अरे क्यों दीवार पे सिर पटक रहा है, बोल ना क्या हुआ? अरे रे, देख कितना खून आ रहा है तुझे, कितनी चोट लग गई है। हाँ? एक क्वार्टर पीकर मैटर डील किया है मैंने, लो रख लो। हाँ? शिवा लो ना। आप ये क्या कर रहे हैं जी? छोटी बच्ची है अभी। क्या छोटी बच्ची है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है उसने, भूख लगी होगी उसे। उसे भूख लगी है ये तो तुम्हें दिख रहा है, उसकी वजह से मुझे क्या सुनना पड़ रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा। अरे इस लड़की ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इतनी बेइज्जती करवाई है इसने मेरी। देखिए मोनिशा बहुत अच्छी लड़की है, उससे ये सब कुछ अनजाने में हो गया होगा, हमें उससे बात करनी चाहिए। वैसे भी बेचारी ने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया है। देखो तुम कुछ भी करो, लेकिन दोबारा ऐसी गलती ना हो। ठीक बात है, मैं उससे बात कर लूंगा। की बदबू आ रही है पापा, आपको ठीक से बनाना नहीं आता है तो आप डोसा मत बनाया करो ना। मम्मी जल्दी से एक अच्छा सा डोसा बनाकर दो, भूख लगी है। हाँ ठीक है। कितनी जोर से भूख लगी है, पापा कितना टाइम लगाते हैं। ये
मैं शाम को वापस आकर ले लेता हूँ। देख बेटा, तो जो भी मांगेगा ना वो पापा खरीद कर नहीं दे पाएंगे। पापा आप जो भी खरीद के देंगे वो चलेगा। हाँ पापा। अच्छा बैठ जा आराम से। बॉल खो गई है तो यहाँ क्यों खड़ा है? चल जा यहाँ से। और तू गेट पर क्यों लटक रहा है? तुझे पता नहीं बाहर के लड़के सोसाइटी में अलाउड नहीं है? हाँ, जा यहाँ से। सब लोग खेलने के लिए मेरे घर के सामने आ जाते हैं हमेशा। क्या माँ, तुम यहीं पर बैठी हो और ये सब अंदर आ रहे हैं, मना भी नहीं कर सकती तुम। मेरी बात सुन, गजरा खरीदना है तो गेट के बाहर ही खड़े रहने का, वहीं से आवाज लगा के बुलाने का, ठीक है ना? अब जाओ। जी जा रहे, कभी आगे से हर घर का 100 रुपए किराया बढ़ा रहा हूँ। महंगाई बढ़ गई है ना। ये सब क्या कह रहे हैं? आपको पता है इस घर का भाड़ा 3500 रुपए क्यों है? इस घर के अंदर एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था। किसी ने सुसाइड? मोनिशा के बारे में सोच के नींद नहीं आ रही। अरे जा, बेकार की बातें मत कर। इस उम्र में सब लड़के ऐसी ही बातें करते हैं, उन्हें लगता है सच में प्यार हो गया। अच्छा सुन, इतना प्यार है तो जाके बात कर, अभी मेरी नींद मत खराब कर, चल सो जा। लड़कों का क्या भरोसा है, आज ये लड़की पसंद है कल कोई और पसंद आ जाएगी। देखा था, इधर तो कोई भी नहीं है। पानी मत गिरा देना, ठीक है पापा? बैठ जा।
जब भी मुझे बुलाती है मैं आता हूँ ना, लेकिन जब मैं तुझे बुलाता हूँ तू क्यों नहीं आती है? अभी ये सब बात करना जरूरी है क्या? तुझे बाथरूम लगी है ना, इसे ले और जा। मेरी तो तबीयत ही फूटी है। ए, जल्दी चल, पड़ोसी देख लेगा तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। हे भगवान, मैं नींबू काट रहा हूँ, सारी बाधाओं को दूर कर। क्या है, इतने दिन से मैं यहाँ सो रही हूँ, मैंने तो कभी भूत नहीं देखा। तुम लोगों को कहाँ से दिख गया, कहानी तो नहीं बना रहे हो तुम? अरे दादी, आप भी ना, उस खिड़की में लटकते हुए पैर मैंने अपनी आंखों से देखे थे। पायल पहनकर छमछम करते जाते हुए मैंने खुद देखा था। बड़ी बड़ी आंखें थी, कपड़े भी नहीं पहने थे, उसे देखकर घबरा गई। और वो भी, मैं तो बहुत जोर से चिल्लाई, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि वो मुझे देखकर क्यों चिल्लाया। तुम्हारे घर में ही फांसी लगाकर मरा था ना, तो फिर तुम्हें कभी नहीं दिखता? जय हनुमान की अनुग्रह सागर, जय कपिल। ये सोसाइटी में रहने वाले भूत पिशाच का नाम लेकर सोसाइटी का नाम बदनाम कर रहे हैं। क्या हुआ मारन, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मारन, सब लोग गलत सलत अफवाहें फैला रहे हैं, कहीं तुम तो उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं कर रहे ना? मुझे तुम जैसे ही किरायेदार चाहिए, मैं जैसे कहता हूँ तुम वैसे ही रहते हो, आज तक कोई शिकायत नहीं मिली, फिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? हाँ भैया, लेकिन बात यह कि बीवी बच्चे थोड़े डर रहे हैं। अरे सब अंधविश्वास है, एक हवन करेंगे सब ठीक हो जाएगा। और एक राज की बात सुनो, तुम सोसाइटी में किसी को बताना नहीं, तुम्हें भाड़ा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो ना? अब इतना क्या सोच रहे हो तुम? यानी आप कह रहे कि मैं यहीं पर रहूं? ठीक है, मैं आपके लिए यहीं पर रहूंगा। जल्दी घर पर आइए। हाँ, क्या हुआ? अभी आता हूँ जी। क्या बात है, भूत की बातें चल रही हैं? बेवकूफ कहीं का, किसी काम का नहीं है, तेरे भरोसे पर मैं छोड़कर गया था, अब इस सोसाइटी में सिर उठाकर चल सकता हूँ क्या? क्या किया है तूने, मेरी मान मर्यादा सब धोकर रख दिया तूने। देखिए, पुलिस इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, मोनिशा चाहे कहीं भी गई होगी, हम उसे ढूंढकर किसी भी कीमत पे वापस लेकर आएंगे, आप इस मैटर को बस बाहर मत जाने देना। सुनो दादी, जिस लड़की को रूम में बंद किया था ना, वो लड़की घर से भाग गई है। क्या बोल रही है? मकान मालिक की लड़की भाग गई। मकान मालिक की लड़की भाग गई? हाउस ओनर की लड़की भाग गई, तुझे पता है कहाँ गई? ए हीरो, तुझे ये बात पता है क्या? बहुत दिनों बाद इस सोसाइटी में कुछ अच्छी खबर सुनी है। आइए भाई, अंदर आइए। तुझे एक बात पता है? क्या भाई? तुझे कहा था ना मैंने, उस लड़की पे भरोसा मत कर, अब ये ले और इसे पीता रहे। हाँ? नहीं भाई, नहीं चाहिए। अरे तुझे इस वक्त जहर पी लेना चाहिए, तू जिस लड़की से प्यार करता है वो किसी और लड़के के साथ घर से भाग गई है, ये सब कुछ तू बर्दाश्त कर पाएगा? इसीलिए बोल रहा हूँ कि पी ले, चल पी इसे। मैं जानता हूँ वो वैसी लड़की नहीं है। सही है, भले लड़की धोखा दे दे, मगर तेरे जैसे आशिक कभी भी लड़की को बुरा बोलेंगे ही नहीं। वो कहीं नहीं गई भाई। तू जहर पीकर मरे उससे अच्छा है कि इसे पकड़ और एक घूंट लगा ले, सब भूल जाएगा। पी ले। ए, तुझे इसकी जरूरत नहीं है, दे। ए, एक क्वार्टर मुझे भी देना। ए बुढ़ी, उधर आकर तुझे ही दूंगा मैं। अरे कहीं है सोसाइटी में जाकर ना बता दे। ये कौन है?
कौन है आप लोग? ऐसे कहां अंदर आ रहे हैं? सीबीआई ऑफिसर हूं। एक इन्फॉर्मेशन आई है, हमें सारे घरों की तलाशी लेनी है। क्या कह रहे हैं सर आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कर रहे हो? हटो, तुम हो कौन है मुझसे सवाल करने वाले? इनमें से किसी घर में कहीं कोई टेररिस्ट छुपा हुआ है? चलो चलो सर्च करो सब। मेरी बात तो सुनिए, ये हो क्या रहा है? सीबीआई ऑफिसर्स हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, सारे घर की तलाशी लेनी है। वैसे तुम कौन हो? मैं सोसाइटी का मालिक हूँ। अरे लेकिन आप सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब फैमिली वाले रहते हैं साहब। तुम यहाँ कितने साल से रहते हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? यहाँ सब शरीफ लोग रहते हैं साहब। सुनिए सुनिए, तुम काम क्या करते हो? बेकरी कंपनी। कैसे लोग रहते हो? सीबीआई, तुम्हारा नाम क्या है? शिवा सर। कितने लोग रहते हो? मैं और मेरी दादी सर। अंदर कौन है? कोई नहीं सर, दादी बाहर गई। सूटकेस में बम है। इसे हथेली लगाओ, लेके चलो इसे पुलिस स्टेशन। तीन महीने का भाड़ा तूने? अभी से हम पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, वही आकर बात करना। चलो चलो यहाँ से। चलो चलो चलो, रास्ता खाली करो, हमें जाने दो। मैंने सारी सेटिंग कर ली है, तू सुबह होते ही मोनिशा को लेकर रेलवे स्टेशन पर आ जाना, ठीक है? ये पैसे रख खर्चे के लिए, ओके? थैंक यू सर। तो मुझे क्वार्टर लाके दे रहा है कि नहीं? चुप रहोगी दो मिनट? एक बात ध्यान से सुन ले, लड़की को हमेशा खुश रखना, बाकी भगवान तेरे साथ है। और तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। अरे कुछ ठंडा ही लाकर पिला देता। तू चुप बैठेगी कि नहीं? बहुत दर्द हो रहा है। सड़क पर रहने वाली को घर लेकर आ गया, मेरी ही गलती थी। मुझे ये चाहिए थी इसीलिए तुझे लेकर आया। अगर तेरी वजह से इससे कुछ हुआ तो मैं तुझे। अरे यार छोड़ ना ये सब, बता बेचारी बूढ़ी मत परेशान रहने दे, तू आराम से स्टेशन पे पहुंच जाना, मैं चलता हूं अभी। तुम लोग सावधानी से जाना, ठीक है? ठीक है सर। पापा क्या बोल रहा था तू? इसे पाने के लिए तू मुझे यहाँ लेकर आया ना? उस दिन बोला था कि मैं तेरी दादी हूँ। सगी दादी ऐसे करती है क्या? तूने ही तो कहा था कि मैं तेरी सगी दादी जैसी हूँ, कहा था ना? अरे चुपचाप सो जा तू। ठीक है बेटा, कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन hey, वैसे ही मैं प्रॉब्लम में हूँ और तू? वो वैसे ही रो रही है। ठीक है, इतना क्यों डांट रहे हो उनको? इस पर रहम खाकर गलती कर दी मैंने। अभी पाउडर लगाना जरूरी है क्या? पहले कपड़े निकाल कर रखो। हा? बोलो भाई। शिवा तू रेडी है ना? हाँ रेडी हो गया भाई, आपने जहां बोला था उधर ही आ रहे हैं। आता हूं, दादी को उठाओ। दादी दादी दादी, ये बुढ़िया इस पोटली के बिना कहीं जाती नहीं। शिवा हाँ? शिवा क्या हुआ? दादी उठ नहीं रही है। दादी
दादी, दादी, दादी। नहीं चाहिए दीदी। ए, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया पिया है, थोड़ा सा पानी पी लो। दीदी भूख नहीं है, आप जाकर शिवा को खिला दीजिए। हाँ? पूरी सोसाइटी वाले मिलकर यहाँ जमा हुए हो, तुम ही लोगों की वजह से मेरी सोसाइटी इस वक्त बदनाम हो चुकी है, ले जाओ इसे। माला पहना चुके ना, अब और तमाशा करने की जरूरत नहीं है, उठाओ इसे और ले जाओ यहाँ से। अरे जरा रुकिए, लेकर जा रहे हैं। भैया, दादी के परिवार में शिव सेवा ही उनका पोता है, एक 5 मिनट रुक जाइए, इनके रीति रिवाज हो जाने दीजिए, उसके बाद लेकर जाइए। क्या रीति रिवाज करोगे, बुढ़िया की शादी हो रही है क्या, बड़े आए रीति रिवाज करने, बदबू आने से पहले उठाओ इसे। ए, क्या फालतू बकवास कर रहा है तू, मर जाएगा तो मेरे बदन से चंदन की खुशबू आएगी क्या? बहुत बोल रहा है तू, तुझे कुछ भी नहीं पता। अरे भाड़े के घर में मरना भी गलत है और ये विधि विधान करना भी गलत बात है। सुन लिविस, पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है, अपने दोस्त को समझा दे, सोसाइटी जिंदा लोगों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं। तुम लोग इसे यहाँ कर ले जा रहे हो या घसीट कर बाहर कर दूं मैं? ए, तू इंसान है क्या, इनका मरना यही लिखा था, लेकिन तू कहाँ मरेगा पता है तुझे? सुन, मरने वाला क्या शमशान में जाकर मरेगा, हम रीति रिवाज के बाद ही लेकर जाएंगे। तेरी इसी हरकत की वजह से ही तेरी बेटी घर से भाग गई। मेरी ही सोसाइटी में आकर मुझे बेइज्जत कर रहा है, चल निकल यहाँ से। बाहर निकल यहाँ से, नहीं तो थोपड़ा फोड़ दूंगा तेरा। तू मेरी सोसाइटी में खड़ा है, ए, निकल यहाँ से। सोसाइटी सोसाइटी करता रहता है, चारों ओर दीवार बांधकर जेल बना रखी है। ए, अपनी धमकी बमकी सब सोसाइटी के अंदर ही रखना, अगर कहीं बाहर दिखाई दिया ना तो गायब हो जाएगा। ए लिविस, ऐसे लोगों को यहाँ लाकर मुझे बेइज्जत करवा रहा है, आज के बाद तेरे लिए भी यहाँ जगह नहीं है, निकल जाए यहाँ से। वैसे भी सोसाइटी में हम इंसान की तरह नहीं जी रहे हैं, मुर्दों की तरह जी रहे हैं सबके सब। पहले मेरे डिपॉजिट के पैसे वापस करो, अभी के अभी। चल पैसे दे। आप जरा शांत हो जाइए भैया, अगर झगड़ा करके जाएंगे तो इन्हें आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ऐसा मत कीजिए। ऐ आओ सब लोग, ले चलते हैं इन्हें। बहुत पुण्य का काम करता है, ये ले मेरी तरफ से रख ले। ये रोड पर रहती तो जिंदा रहती, मैंने अपनी खुदगर्जी के लिए इसे मार दिया। ऐसा कुछ नहीं शिवा, तुम उसे साथ लेकर आए इसलिए वो अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ आई है, वरना सड़क पर तो लावारिस की तरह पड़ी रहती। एक दिन तो हर किसी को जाना ही होता है, और वैसे भी उनकी उम्र हो गई थी। चलो चलते हैं।
ये ले डिपॉजिट के पैसे और अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से निकल ले। ले पकड़ पैसे, चल निकल यहाँ से। सबसे पहले इसी को निकाल, इसी की वजह से सारी सोसाइटी बिगड़ रही है। ए, पकड़ पैसे। भैया ऐसे अचानक घर खाली करवाएंगे तो ये कहाँ पर जाएगा? अच्छा, मेरे ही घर में रहकर मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं घर में रखूंगा क्या? कुछ दिनों के लिए मैं किसी अच्छे ओनर के पास जाकर रहूंगा। हाँ ठीक है, तेरी मर्जी। शिवा, जिसके पास खुद का घर नहीं होता वो शरणार्थी कहलाता है, और शरणार्थी को मकान मालिक जब चाहे निकाल सकता है। फिलहाल तो मैं अपने किसी दोस्त के घर रह लूंगा। शिवा, तू जैसा सोच रहा है ना वैसा ही होगा। चलता हूँ, ख्याल रखना। बड़े बड़े कमीने देखे मगर ऐसा कमीना आज तक नहीं। चलो जाओ यहाँ से। रंगा स्वामी, मोनिशा के बारे में कुछ सोचा है क्या? अरे तुम भी चुप नहीं रह सकती क्या? हाँ ठीक है, तू चुप नहीं रहेगा, तेरी बेटी चुप नहीं रहेगी, पर मैं चुप रहूं। लीजिए सर। रंगा स्वामी की सोसाइटी में रहने वाले किसी शख्स के नाम पर है ये सिम कार्ड। क्या कह रहे हैं आप? और उसका नाम है शिवा। क्या कहा शिवा? तुम जाकर इंक्वायरी करो, चाहिए तो मैं एसआई को भेजता हूँ। हाँ बोलो। ध्यान से सुनिए, अपनी सोसाइटी के एड्रेस पे ही सिम कार्ड लिया गया था और आदमी का नाम है शिवा। वो बचना नहीं चाहिए, समझ गए ना? मैं भी वहीं पे आ रहा हूँ एसआई के साथ। क्या कहा? मेरी सोसाइटी में रहकर मेरी आंखों में धूल झोंकी तूने? अभी बताता हूँ। साहस भरता है, गिर के चढ़ना अच्छा होता है, मन को हार नहीं माननी चाहिए, गिरने के बाद उठना चाहिए, कोशिश हमेशा करते रहो। चलती हूँ, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलती हूँ भैया। बाय दीदी। बाय दीदी। बाहर देखो कोई है तो नहीं? क्या सेठ, धंधा बढ़ गया क्या? बड़ा पेटी ले आए? वो भाड़ा बढ़ा दिया तो धंधा भी बढ़ाना पड़ेगा। सही बात है, इस शहर में कितने ही पैसे कमाएंगे कम ही पड़ेंगे, क्योंकि आज तो भाड़ा बढ़ने में चले जाते हैं। मेरी पोती के बारे में कुछ पता चला? अरे ये गलत है, उसे तीन बार लिखूंगी। क्या भैया? और लिखते लिखते पढ़ती जाओ, ठीक है? हाँ? तो फिर अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। चलो ध्यान से सुन, मोनिशा जिस लड़के से प्यार करती है वो सोसाइटी में ही रहता है। तू एक काम कर, सीधे सोसाइटी में पहुंच, समझा? ठीक है भाई, मैं भी वहीं पे पहुंच रहा हूँ। हाँ चलो, कहाँ चलना है भाई? तू चल तो सही, मैं बताता हूँ। चलो वाला, ये ग्राउंड है क्या? चलो घर जाओ। ए, क्या तू जब से डिब्बा उठा रहा है, जल्दी साइकिल उठा और चलता बन यहाँ से। जा ये ठीक तो है ना? तू जाकर गाड़ी में बैठ जा। थैंक यू सर। बाय सर। तेरे पापा से हो पाएगा रे, तेरे लिए एक रूम, तेरे भाई के लिए एक रूम, दीदी के लिए एक रूम,
सबके लिए अलग अलग रूम होंगे। उस घर में झूला भी होगा, गार्डन भी होगा, बंगले जैसा घर होगा। हम लोग घर में एक छोटा सा पपी पालेंगे और मैं बहुत सारे फ्रेंड्स बनाऊंगा, सबको घर पे बुलाऊंगा। सिर्फ पपी ही नहीं, तुझे जो भी पालना है ना वो सब पालेंगे, ठीक है ना? अच्छा कभी मैं उस दुकान से पैसे लेके आता हूँ। हाँ ठीक है पापा। ए किधर है तू? मार्केट में खड़ा हूँ भाई। ए सारे बंडी, मैंने तुझे देख लिया है, जिधर माल अदला बदली करते हैं ना वहाँ पुलिस वाला खड़ा हुआ है। क्या कह रहे हो भाई, अभी मैं क्या करूँ? अरे मुझे देख लेगा तो उसे शक हो जाएगा भाई। अरे इसलिए मैं फूल वाली गली में आ गया हूँ। तू जिधर खड़ा वहाँ देख, बॉक्स पर ब्लू कलर का कवर डाल के मैंने साइकिल खड़ी की हुई। देख ली भाई मैंने। साइकिल लेके फूल वाली गली में आ जा, माल वहीं अदला बदली करते हैं, ओके ना? ठीक है भाई। आजा बेटा, अच्छा अच्छा। अरे क्या करते हो तुम, कौन है ये? अरे किसका बच्चा है ये? ये तुम उठा के ले गया, कौन है तुम बताओ, कौन है ये? मेरा बेटा है भाई, मेरा बेटा है। कभी आके खोल बेटा। अरे बच्चे को चोट लगी, तुम क्या बात कर रहे हो? कभी ए चलो समझ ले बेटा। अरे यकीन कीजिए, मेरा बेटा, यकीन कीजिए, मेरा बेटा है। बच्चा क्या वही करता है? मैं समझ रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए, मेरा बेटा है। चले जा रहा था पापा, मेरा बेटा। क्या कहा? तेरा बाप है? तुम लोग तमाशा क्या देख रहे हो? कब से क्या मेरे को यकीन नहीं कर रहा है। लेके जाए इसे, चलो चलो आटा बेटा। कुछ नहीं होगा तुझे ये बेटा, मैं कब से कह रहा हूँ मेरा ही बेटा है ये बच्चा। मुझे बेवकूफ बनाया, मेरी पीठ में खंजर भोंका। भैया मुझसे गलती हो गई, अगर चाहो तो 200 रुपए भाड़ा बढ़ा के दे देता हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू? आज तूने बच्चे को छुपा कर रखा, पता नहीं कल क्या क्या करेगा। अब समझ में आ रहा है मेरे, इस सोसाइटी में भूत प्रेत दिखने की अफवाह तुम लोगों की वजह से ही फैली है। ए रंगा स्वामी, इनसे बात करके वक्त बर्बाद मत कर, बाहर निकाल। अब भाई साहब आप बात को जरा समझिए ना, अचानक आप कहेंगे निकल जाओ तो हम कहाँ जाएंगे? थोड़ी तो दया कीजिए ना। मैंने पहले ही कहा था, झूठ और फ्रॉड मुझे पसंद नहीं है। मैं अगले महीने खाली कर दूंगा। पापा इनको रिक्वेस्ट मत कीजिए, ये अच्छे अंकल नहीं है। ए तू चुप कर। मम्मी मैंने फूल वाली आंटी को इनके साथ गली में देखा था। ए कभी गलती तुम लोग कर रहे हो और मुझे बदनाम करने के लिए पूरा परिवार यहाँ जुट गया है। अब तुम लोग यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकते, चले जाओ यहाँ से। रुक जाइए, जाओ वरना मैं मार मार कर निकालूंगा। गलती से बोल दिया, माफ कर दीजिए इसे। ये सब मेरी वजह से हुआ ना पापा, सॉरी पापा। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी। Hey, चल निकल यहाँ से। गंजे गंजे बोला मुझे। छोटे बच्चे पर हाथ उठाता है?
अरे ये बच्चा है, बदनाम करता है मुझे। मार डालूंगा तुझे। बच्चा बोलता है। मत कीजिए। जाओ यहाँ से। इन लोगों को जल्दी यहाँ से निकालो। चलो चलते हैं। जाओ यहाँ से। धोखेबाज हो तुम लोग। इस दुनिया में मैं सिर्फ दो लोगों को जानता हूँ, एक भाड़ा लेने वाले को और एक भाड़ा देने वाले को। घर मिल गया तो आंख दिखाता है, अब जब गली गली घूमेगा तब पता चलेगा कि घर क्या होता है। घर बना तब पता चलेगा। अरे भाई जाने दीजिए ना, वो चला गया। अरे तो पीछे हट। उनकी भी गलती है ना, बच्चों को छिपाना नहीं चाहिए था। चलिए आइए। मारन बोलो, कैसे फोन किया? वैसे मैं तुम्हें याद ही कर रहा था। रंगा स्वामी ने हमें घर से निकाल दिया। ओहो ठीक है, तुम एक काम करो, सीधे मेरे पास आ जाओ, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, जल्दी आओ। अंबिका डेवलपर्स की ओर से आयोजित किए गए साइकिल रेस प्रतियोगिता में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर जीतने वाले पहले विजेता को अंबिका डेवलपर्स की तरफ से 600 स्क्वायर फीट का एक खूबसूरत घर मिलेगा। तो इससे बड़ा ऑफर आपको जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता। इतना ही नहीं, जीतने वाले दूसरे विजेता को मिलेगा 5 तोला का गोल्ड कॉइन और जीतने वाले तीसरे विजेता को मिलेगा 2 तोला का गोल्ड कॉइन। इस ऑफर को जीतने की ताकत और कौशल को रखने वाले लोगों को हम इस रेस में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सो सारे प्रतिस्पर्धियों का स्वागत है। कबूतर खाने जैसा भी हो लेकिन खुद का घर होना चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। एक इंसान के लिए अपना खुद का घर होना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए आपको यह अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 300 से ज्यादा लोगों ने नामांकन भरा है। अब तक हुए लकी ड्रॉ में 9 लोगों के नाम निकल चुके हैं, बाकी बचे एक आदमी के लिए भी थोड़ी देर में पर्ची निकाली जाएगी, तो वो लकी पर्सन आप ही हो सकते हैं। क्या हुआ? हाँ? वो मेरे दोस्त है। बीच में कहाँ घुस रहे हो? बस एक मिनट में बात करके आता हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ। थैंक्स। ये ऑफर खत्म होने में थोड़ी ही देर बची है, इसीलिए जल्दी से अपना नामांकन भरिए। अरे तुम आ गए? अंबिका डेवलपर्स की ओर से विनती। आ जाओ मेरे साथ। इस प्रतियोगिता में सुनिए, इनका नाम है मारन। 500 रुपए दीजिए। 5,000 से लेकर 5,00,000 तक कमाने वाले की यही इच्छा होती है कि इस शहर में उनका भी एक खूबसूरत घर हो। तो जिस घड़ी का हमें बहुत देर से इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है। आप सब दिल थाम के बैठिए, अब हम आपको बताने वाले हैं उस आखिरी लकी पर्सन का नाम, और उस लकी पर्सन का नाम है श्रीमान एम मारन। प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है, सभी प्रतिस्पर्धी तैयार हो जाइए। धोखेबाज हो तुम लोग। इस दुनिया में मैं सिर्फ दो लोगों को जानता हूँ, एक भाड़ा लेने वाले को और एक भाड़ा देने वाले को। घर मिल गया तो आंख दिखाता है, अब जब गली गली घूमेगा तब पता चलेगा कि घर क्या होता है। घर बना तब पता चलेगा। रंगा स्वामी, इनसे बात करके वक्त बर्बाद मत कर, बाहर निकाल। अरे इन लोगों को जल्दी यहाँ से निकालो। सभी प्रतिस्पर्धियों से अनुरोध है कि वो अपना स्थान ले लें। प्रतियोगिता शुरू हो गई है,
सारे प्रतिस्पर्धी मैदान में उतर चुके हैं। थोड़ी देर में पता चलेगा कि प्रतियोगिता को कौन तीन प्रतिस्पर्धी जीतेंगे। जनता जनार्दन भी उनका हौसला बढ़ाए। डेवलपर्स का 600 स्क्वायर फीट का खूबसूरत घर जीत चुके हैं। अंबिका डेवलपर्स की ओर से हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं।